देखो लास्ट एक्सरसाइज चालू है, उसमें अपना लास्ट क्वेश्चन कौन सा था। तो लास्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी हियर, कौन सा था एक्सरसाइज में कहां तक आ गया मैं? आई थिंक तो पहले दो क्वेश्चन हो गए, लास्ट एक्सरसाइज तो नहीं। तुम्हारी टास्क तो उसके बहुत सिंपल है, रोमेंट कॉलेज तुम्हारी तो मेन एक्सरसाइज यही लास्ट एक्सरसाइज। तो आई होप हाँ, ए बी नॉट इक्वल टू बी तक आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ए इज इक्वल टू, ओके क्वेश्चन नंबर टू इन दैट वन, इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू बाकी टॉप दिस साइड है माइनस वन 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 टू थ्री जीरो वन माइनस थ्री वन एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ दिस साइड टू वन फोर 302 and 121. आगे क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेट वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए, जस्टिफाई योर आंसर। स्टेट वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए, स्टेट वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए है क्या? जस्टिफाई योर आंसर। लेकिन पहले ए बी इज इक्वल टू बी ए है क्या? अरे तो अच्छा है, पेपर आगे जाएंगे। सबसे पहले ए बी निकालेंगे, ए बी तो ए में मल्टीप्लीकेशन ए बी हो गया, ए की मैट्रिक्स बी के प्लेस पे बी का मैट्रिक्स टू वन फोर थ्री जीरो टू एंड देन वन टू वन इज देयर। मल्टीप्लाई दिस पर मल्टीप्लिकेशन के रूल सबको मालूम है। सबसे पहले इसका ऑर्डर एक रो दो रो तीन रो, तीन रो वन कॉलम टू कॉलम तीन कॉलम, तीन बाई तीन की तीन रो तीन कॉलम, अगेन इट इज थ्री बाई थ्री। तो नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर इक्वल है। इसमें पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या तो इक्वल है, इससे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या रहेगा? थ्री बाई थ्री, ये सबको मालूम है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन लेंगे हम, कैसा बताया था स्टेप, पहली रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ, एक एक का सिंगल के साथ, जैसे माइनस वन इंटू टू माइनस टू, सेकंड का सेकंड के साथ, वन इंटू थ्री प्लस का थ्री और वन इंटू वन दोनों प्लस है, इसके बीच में प्लस, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देन यू मल्टीप्लाई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस वन इंटू वन माइनस वन, सेकंड का सेकंड के साथ वन इंटू जीरो जीरो और थर्ड का थर्ड के साथ वन इंटू टू टू, ये हो गया कंप्लीट। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, माइनस वन इंटू फोर माइनस फोर, वन इंटू टू टू और यू प्लस का वन, ये हो कंप्लीट। उसके बाद इस पर कंटिन्यू करेंगे सेकंड के साथ, टू इंटू टू फोर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पहले, टू इंटू टू फोर थ्री थ्री इज़ अ नाइन और जीरो इंटू वन कितना मिला जीरो। अगेन सेकंड रो सेकंड कॉलम, टू इंटू वन टू, थ्री इंटू जीरो जीरो, सेकंड का सेकंड के साथ और थर्ड का थर्ड के साथ जीरो इंटू टू जीरो कंप्लीट। थर्ड के साथ जब टू इंटू फोर एट, सेकंड का सेकंड के साथ थ्री इंटू टू सिक्स एंड देन जीरो इंटू वन यू गॉट ये जीरो, ये कंप्लीट हो गया। अब जाएंगे लास्ट रो के साथ उसी तरीके से, आखिरी रो का पहले कॉलम के साथ दूसरे कॉलम के साथ तीसरे कॉलम के साथ, ऐसा करने से कितना मिला टू माइनस नाइन और ये प्लस जीरो इंटू वन कितना हुआ जीरो। उसके बाद सेकंड के साथ वन इंटू वन वन, माइनस थ्री इंटू जीरो जीरो एंड देन अगेन जीरो इंटू टू दैट इज इक्वल टू जीरो। लास्ट वन एक इंटू चार चार, माइनस थ्री इंटू टू माइनस चार सिक्स, जीरो इंटू वन। तो फाइनली वी गॉट द मैट्रिक्स, क्या मिली मैट्रिक्स बोलो, तीन और चार चार में से दो गया दो, दो में से एक गया एक, माइनस चार प्लस तीन माइनस का एक, नौ चार कितना तेरह, कितना मिला टू आठ फोर्टीन, नौ में से दो गया माइनस का सात और ये वन और फोर माइनस सिक्स माइनस टू, यह है आपका ए बी ठीक है और ए बी क्लियर है बराबर, ए बी बराबर, ए बी असल में कैसे निकालेंगे ए बी, टू वन माइनस वन थर्टीन टू फोर्टीन माइनस सिक्स थ्री माइनस सिक्स थ्री, इसमें कैसा हो गया लास्ट में? यस सर ओके, तो एकदम सिंपल था, इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। वन माइनस थ्री जीरो, तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे ये मैट्रिक्स में वन है, पर यहाँ पे वन इसे थोड़ा यहाँ पे चेंज होगा,
यहाँ पे थर्ड रो के साथ चेंज होगा, 1 इंटू 2 2 माइनस 9 और प्लस 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 0 और ये प्लस का कितना 2, लास्ट में 1 इंटू 4 4 माइनस का 3 और ये प्लस का 1, इसके हिसाब से आएगा ये माइनस 7 प्लस 6 माइनस 6 2 और ये कितना मिला 3 और यहाँ पे 4 में से चले गया माइनस 2 प्लस 1 कितना गया माइनस 2, समझा क्या है। यहाँ पे ए में 1 है, अपन यहाँ पे 0 लिए थे, यहाँ पे करेक्शन करें, यहाँ पे 1, ऐसे करने के बाद ये दे दो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 2 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 प्लस 1 इंटू 1 1, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 0 0 1 इंटू 2 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये हो गया 4 माइनस का 6 प्लस का 1, ये वाट है। अब ये भी निकल गया इक्वेशन नंबर 1, अब क्या करेंगे बी ए निकालेंगे, बी ए मतलब क्या उल्टा ही नजर आ रहा, यस बी ए में आप क्या करेंगे पहले बी मैट्रिक्स आएंगे फिर ए मैट्रिक्स आएंगे, तो बी में कितना है 2 1 4 3 0 2 1 2 1, बी पहले और बाद में ए, माइनस 1 1 2 3 0 एंड देन 1 माइनस 3 1 इज देयर, जो मैम दिखा दें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 1 इंटू 2 2 और थर्ड का थर्ड के साथ प्लस का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 2 प्लस का 2 4 का 4, अब रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 1 2 1 इंटू 3 3 और ये 4 इंटू माइनस 3 माइनस का 2 है, लास्ट के साथ 2 1 का 2 1 इंटू 0 0 एंड देन 4 एक 4 खत्म। अब सेकंड रो के साथ ये सबको अच्छे से आ गया, बहुत अपन एग्जांपल्स बोल दिया अपन इसको, 3 इंटू माइनस 1 माइनस का 3 0 इंटू 2 0 2 इंटू 1 2, क्या क्या आपका अपने थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, अब क्या करेंगे थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 1 3 0 इंटू 3 0 और 2 इंटू माइनस 3 माइनस का 6, अब सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 एक 3 0 इंटू 0 2 एक, ओके क्लियर। नाउ लास्ट वन 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 2 इंटू 2 4 1 इंटू 1 1 देन 1 इंटू 1 1 2 इंटू 3 6 और माइनस का 3, लास्ट में 1 इंटू 1 1 प्लस का 2 इंटू 0 0 और प्लस 1, तो लास्ट में मैट्रिक्स कितने आएगी माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, कितना गया 4, 2 और 3 5, 5 में से 12 गया माइनस का 7, 4 और 2 कितना गया 6, ये कितना गया माइनस का 1, 3 में से 6 गया माइनस 3, 3 और 2 कितना हो गया 5, ये कैंसिल 4, 7 में से 3 गया 4 और ये करेक्ट हो इक्वेशन नंबर 2। देखो ए बी में क्या है, बिकॉज यस इन केस ऑफ ए बी हियर व्हाट वी कैन से दैट हियर इन केस ऑफ ए बी, ए बी में क्या है 2 1 माइनस 1 13 2 14 माइनस 6 3 माइनस 12, यहाँ पे क्या है 4 माइनस 7 6 माइनस 1, मतलब दोनों के एलिमेंट डिफरेंट, आपने कोई क्वेश्चन पूछा था कि स्टेट वेदर ए बी इक्वल टू बी, तो अपन क्या बोलेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, तो अपन लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 और 2, 1 और 2 के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं ए बी की वैल्यू और बी ए की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, राइट है ना, ये तो प्रॉपर्टी अपन पहले देखा है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉमेटिटिव अपन पहले देख रहा है, नॉट कॉमेटिटिव मतलब अगर से ए बी जितना आया उतना बी ए आएगा हमेशा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो अपन पहली प्रॉपर्टी देख रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये हमेशा इक्वल रहेगा ऐसा नहीं है, ये नॉट कॉमेटिटिव प्रॉपर्टी, वो आया सर यस चलिए ना आगे जल्दी यस ओके वेरी गुड, अब बस रिमेनिंग क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे अपन, जो भी क्वेश्चन है तुम्हारे पास सब ऐसे ही करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन पूछे वाला है शो दैट का ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो वो क्वेश्चन तुम कर सकते क्या, यस टेल मी नाउ, बोलो जल्दी क्वेश्चन नंबर जो अगला क्वेश्चन है तुम कर सकते क्या उसमें जल्दी बोलो, ओके होमवर्क दो फिर होमवर्क के लिए ठीक कोई बात नहीं, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिए रहेगा, अगर से तुमको नहीं आया तो अपन उसको क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये होमवर्क के लिए टेक्स्ट बुक सबके साथ रहना चाहिए, ठीक है।
आज करके देखो उसको, नहीं आया तो फिर अपन को क्लास में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तो दोनों में सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी पूछा ए मैट्रिक्स दी वाली है, बी मैट्रिक्स दी वाली, अभी फर्क क्या है? यहाँ पे वेदर पूछा तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया तुमको, शो दैट ए जी इज इक्वल टू बी ए। जाएंगे सेम मेथड से अपन, ए बी इज इक्वल टू बी ए में पहले शुरू ए बी निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1, फिर बी ए निकालेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब जब शो दैट का क्वेश्चन है 100% AB की वैल्यू BA के क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो बोलो फिर क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो तुम कर सकते क्या, उसमें दोनों क्वेश्चन में क्या पता निकाल AB is equal to BA। इसी सेम तरीके से AB निकाले अपन ने पहले इक्वेशन नंबर 1, BA निकाले इक्वेशन नंबर 2। अब शो दैट का क्वेश्चन है, इसकी वजह से 100% दोनों की वैल्यूज कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, इसके फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों क्या बोलेंगे अपन, इक्वल। क्लियर, इजीली कर सकते, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, सेम मेथड से जाने का है। खाली मल्टीप्लीकेशन तो मालूम है ना, मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन पहले कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन दूसरे कॉलम के साथ, और फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन तीसरे कॉलम के साथ, ये कंप्लीट हो गया। फिर हम वैसे ही सेम क्या करेंगे, सेकंड रो भी जाएंगे, सेकंड रो का पहले कॉलम के साथ, सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ, ये कंप्लीट। फिर हम थर्ड के तरफ जाएंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सेम वही मेथड से जाएंगे। कैपिटल ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ दिस टाइप 4, 8, -2, -4। क्वेश्चन है प्रूव दैट ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सिंपल, मैंने इससे पहले बताया ए स्क्वायर अगर से निकालने का है तो मल्टीप्लिकेशन में ए स्क्वायर मतलब क्या रहता है, ए इंटू ए। तो व्हाट वी कैन से दैट इफ यू फाइंड आउट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब क्या रहता है, ए इंटू ए, है ना। इससे पहले बताया ए स्क्वायर निकालो तुम, ए क्यूब निकालेगा तो ए इंटू ए इंटू ए, ए रेस टू 4 भी निकालना है तो ए इंटू ए इंटू ए, चार बार में तो एक मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ये बताया वाला है तुमको प्रॉपर्टीज के टाइम, तो हमको निकालने का है, प्रूव करना है ए स्क्वायर की वैल्यू 0 है। तो देखो सबसे पहले ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, ए के प्लेस पे ए का मैट्रिक्स, अगेन ए के प्लेस पे ए का मैट्रिक्स, समझ लिया, सेम वही मेथड ऐसा। फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन पहले बार होता 4 into 4 minus 8 और -4 -2 plus 5, लास्ट में -2 into 8 -16 और ये प्लस का 6 क्या है बोला उनका, 16 में 16 गया 0, 32 में 32 गया 0, ये 0 ये 0 क्या आया, 0 0 0 मतलब कौन सी मैट्रिक्स, 0 इज इक्वल टू दिस वन, सो प्रूव हियर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर 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 है क्या? यस। और किसी को पूछना है इसका क्वेश्चन? यस, इज एनी प्रॉब्लम इन दैट वन, एनीबॉडी प्रॉब्लम इन दैट वन? क्वेश्चन नंबर 6 में उसने पूछा कि यहाँ पर वेरीफाई करने का रिजल्ट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में वेरीफाई, सब में मल्टीप्लिकेशन है, जिसको मल्टीप्लिकेशन आ गया, देखो सबसे सिंपल, जिसको अगर से मालूम है हाउ टू टेक द मल्टीप्लिकेशन देन दे कैन सॉल्व वेरी इजीली। जिसको अगर से मालूम मल्टीप्लिकेशन कैसे लेंगे, पूरे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन पे, सिर्फ अलग अलग अंदाज से उसमें पूछने वाला है, सब में मल्टीप्लिकेशन ही करना है। देखो जैसे कि इसमें देखो वेरीफाई ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, ये वेरीफाई करने का है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें पहला क्वेश्चन है
तो पहला क्वेश्चन है कैपिटल ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी वाई दिख रहा है मैट्रिक्स ए 101 मैट्रिक्स है समथिंग लाइक दैट 101 201 230 045 तीन मैट्रिक्स दी वाली हमारे पास मैट्रिक्स में क्या है एलिमेंट्स 2 - 2 1 - 1 - 1 1 और कितना 0 3 और सी मैट्रिक्स दी वाली सी इज इक्वल टू नजर आने के सी मैट्रिक्स थोड़ा बोर्ड नजर आ रहा सी इज इक्वल टू 3 2 - 1 और 2 0 - 2 सिंपल तीनों मैट्रिक्स दी वाली पेपर में मैट्रिक्स चेक कर लेते तो वेरीफाई में रिजल्ट बराबर आना चाहिए 101 230 045 बी मैट्रिक्स है 2 - 2 - 1 1 0 3 राइट है सी इक्वल टू 3 2 - 1 2 0 - 2 मैट्रिक्स एकदम बराबर है अब हमको ये रिजल्ट प्रूफ करने का है कौन सा ये वेरीफाई करने का तो सबसे पहले ये साइड निकालेंगे उसके बाद में ये साइड निकालेंगे तो ये साइड में जाने से पहले सबसे पहले क्या बोला उसने ए इंटू बी सी का मतलब है पहले बी सी का मल्टीप्लीकेशन लो फिर उसके बाद ए के साथ मल्टीप्लीकेशन लो तो सबसे पहले हम लेंगे बी सी व्हाट इज बी सी 2 - 2 - 1 1 ये आगे बी और ये सी के प्लेस पे सी की मैट्रिक्स बोलो सी मैट्रिक्स क्या है 3 2 - 1 2 0 - 2 बोलो इसका ऑर्डर कितना है कितने रोज है एक रो दो रो तीन रो कॉलम कितने दो कॉलम है ऑर्डर है पी बाय इस ऑर्डर बोलो एक रो और दो रो है कॉलम कितने एक दो तीन तो कंडीशन सेटिस्फाइड है नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स बराबर है इस कॉलम की रो की संख्या सेम है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट है तो मल्टीप्लीकेशन लेंगे आने के बाद ऑर्डर कितना रहेगा उसका 3/3 का ये सबको मालूम है छोड़ दो उसका तो इसे पहला रो पहला कॉलम वही करते बैठे हैं 6 - 2 - 2 - 4 पहला रो दूसरा कॉलम 2 - 4 - 2 - 0 2 - 1 - 2 और ये प्लस का ठीक है आप चलो सेकंड रो के साथ चलो -1 - 3 - 3 2 4 2 - 1 - 2 - 1 6 0 - 2 0 और 3 - 0 भी कितना आ गया 0 लास्ट में 0 - 1 0 और 3 - 2 - 1 6 तो बीसी कितना है तुम्हारा 2 4 2 - 1 2 - 2 - 1 6 0 एंड देन माइनस और आया क्या सामने यस बराबर है क्या देखो चेक करोगे ठीक है बीसी बराबर है क्या 2 4 2 - 1 2 - 2 - 1 6 0 - 6 राइट है बराबर है बराबर ये अपन ने और बीसी के प्लेस पे बीसी का मैट्रिक्स बीसी कितना 2 4 2 - 1 - 2 - 1 6 0 जैसे कि हमको मालूम ये भी 3/3 है ये भी 3/3 है दोनों का ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन लेंगे कैंपस नहीं करेंगे फिर डाउट कहाँ पे आता मल्टीप्लीकेशन का ए था बी का ऑर्डर अलग है सी का ऑर्डर अलग है तो जब दोनों का ऑर्डर अलग ऑर्डर अलग है तो तभी चेक करके देखने का कि इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्या नहीं और अगर सेम ऑर्डर के रहे तो चेक करने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल नहीं है चलो मतलब 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स अगर से है तो
सेम वही करता है वन इंटू टू टू सेकंड का सेकंड के साथ थर्ड का थर्ड के साथ ये करता हूँ पहला रो पहला कॉलम अब हम जाएंगे पहला रो दूसरा कॉलम वन इंटू फोर फोर जीरो इंटू माइनस टू जीरो और वन इंटू जीरो जीरो ये हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अब जाएंगे हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वन इंटू टू टू जीरो इंटू माइनस वन जीरो और वन इंटू माइनस सिक्स माइनस सिक्स सेकंड के साथ अगर थोड़ा पास कर दो टू इंटू टू फोर थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री जीरो इंटू सिक्स जीरो देन टू इंटू फोर एट थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स प्लस जीरो टू इंटू टू फोर थ्री इंटू माइनस वन माइनस का थ्री जीरो लास्ट में जीरो इंटू टू जीरो माइनस का फोर सात बजे तीस जीरो इंटू फोर जीरो माइनस का एट प्लस का जीरो जीरो इंटू टू जीरो माइनस का फोर माइनस का आया बराबर बोलो इज दैट क्लियर सही है क्या यस बोलो है या तक सही बोलो फिर लास्ट में आंसर कितना है तुम्हारा तुम्हारे चेक करने के लिए रुकता मैं यहाँ पे चार दो में से छह गया माइनस का चार चार में से तीन गया एक आठ में से छह गया दो चार में से तीन गया एक तीस में से चार गया छब्बीस माइनस का एट माइनस चार माइनस तीस माइनस थर्टी फोर बोलाया उसका इक्वेशन नंबर कितना क्लियर यहाँ तक जल्दी से सामने चढ़ गया हमें बोलो भी यस आया अब ये साइड होगी इधर की साइड होगी अब हम क्या करेंगे जब ये साइड निकालेंगे तब ये साइड में क्या करेंगे सबसे पहले वेरी गुड नाइस आप क्या करेंगे यहाँ पे अब ये साइड में जब जाएंगे तो पहले ए भी निकालो पहले ए भी निकालो फिर उसका मल्टीप्लीकेशन सी के साथ लो तो देखो दोनों सेम आते क्या और उसने क्या बोला उसने क्वेश्चन में वेरीफाई पूछा आ भी सकते नहीं भी आ सकते तो अपन चेक करेंगे तो ये होगा क्वेश्चन नंबर वन अब तुम इधर के साइड में जाएंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे ये साइड में आप निकालेंगे पहले ए बी का मल्टीप्लीकेशन ए बी निकालने के बाद फिर सी से मल्टीप्लीकेशन तो देखेंगे क्या आता उसका कर सकते क्या क्वेश्चन यस टेल मी नाउ वेरीफाई कर सकते यस टेल मी करते ही वेरीफाई चलो अपन इतना ही क्वेश्चन ऐसे वैसे भी इसमें दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैं बताता एक क्वेश्चन तुम करो ठीक है चलो इतना बता लेते हैं ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे इसका और तो अब हम लेंगे सबसे पहले ए बी क्या है ए वन जीरो वन टू थ्री जीरो ए बी के प्लेस बी का मैट्रिक्स टू माइनस टू माइनस वन वन जीरो देखो दोनों का ऑर्डर अलग है इसका ऑर्डर थ्री बाय थ्री और इसमें जैसे तीन दो दस दो कॉलम जब भी ऑर्डर डिफरेंट है तो पहले चेक करो तो नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर सेम है मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट है और आने के बाद मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा थ्री बाय टू का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम टू जीरो इंटू माइनस वन जीरो वन इंटू जीरो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस का टू प्लस का जीरो प्लस का थ्री सेकेंड पे आ जाओ टू इंटू टू फोर थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री प्लस का जीरो माइनस का फोर प्लस का थ्री प्लस का जीरो जीरो माइनस का फोर प्लस का जीरो देन आफ्टरवर्ड जीरो प्लस का फोर प्लस का फिफ्टी राइट है तुम्हारे पास ए भी कितना आ गया टू वन वन माइनस का वन माइनस का चार पंद्रह और चार राइट ए भी आ गए अब हम निकालेंगे ए बी का मल्टीप्लीकेशन सी के साथ करेंगे मतलब ये मैट्रिक्स के साथ ए बी का मल्टीप्लीकेशन सी के साथ इसको रखेंगे बाजू में कहाँ करेंगे अपन ये तो छोड़ दो ठीक है इसको ये करेंगे अपन इक्वेशन नंबर वन आए वाली याद रखो ये किसने चले ये क्या है अपना ये है ए इंटू बी सी इसको हम थोड़ा बॉक्स कर देंगे तो बाद में यूज है आपके पास ठीक है अब ये भी निकालेंगे और इसका मल्टीप्लीकेशन सी के साथ करेंगे तो थोड़ा इसको मिटा देंगे यहाँ पे करेंगे अपन जरा मल्टीप्लीकेशन हमको लेना है आप ए बी इंटू सी तो ए बी कितना है हम लोग टू वन वन माइनस फोर नाइनटी
और सी मैट्रिक्स तुम्हारे सामने 3, 2, -1, 2, 0, -2 ये इसमें डालो। वही अब सेम पहले शुरू होते हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही है। 3 रोज और 2 कॉलम और इसमें कितने हैं, 2 रोज और 3 कॉलम बराबर 3 by 3 की मैट्रिक्स है। तीन दो छ और इंटू टू टू, 2 to the 4 plus 0 minus 2 minus 2 minus 2 then second का 3 minus 2 फिर 2 plus 0 minus 1 और plus का 2 लास्ट में -4 मतलब -12 19 2 38 -8 plus 0 और 4 minus 38 तो इसका मतलब बाजू लिखो क्या आंसर, आंसर ऐसा आएगा इसका 8 4 लिख रहे तुम बाजू में चार आंसर थोड़ा अपन बाजू लिख रहे क्योंकि नीचे ऑलरेडी चलो इसको मिटा देंगे तो डब्बा मिटा देंगे इसको यही एडजस्ट करेंगे अपन। और लास्ट आंसर कितना ऐसा देखो 8 4 minus 4 1 2 1 38 में से 12 गया 26 माइनस का 8 और ये माइनस का 24 इक्वेशन नंबर 2 देखो क्या वेरीफाई हुआ, यस वेरीफाई हुआ। ए इनटू बी सी इक्वेशन नंबर 1 में जितना है 8 4 minus 4 1 2 1 26 minus 8 minus 34 और यहाँ पे ए बी इनटू सी कितना है, व्हाट इज योर ए बी इनटू सी सेम 8 4 minus 4 1 2 1 26 minus 8 तो फ्रॉम 1 इनटू व्हाट वी कैन से दैट रिजल्ट वेरीफाई फ्रॉम 1 इनटू और भी कैसे था किया? अपन ने ए इंटू बी सी निकाले क्या या फिर पहले शुरू ए बी करके फिर सी निकाले क्या दोनों का मीनिंग कैसा है इससे तो रिजल्ट क्लियर। आगे पहले क्वेश्चन मैंने बता दिया तुम्हारे लिए सॉल्व करके क्लियर है यस टेल मी नाउ फास्ट वेरी गुड नाइस चलो अगले क्वेश्चन की तरफ यस व्हाट अबाउट रिमेनिंग स्टूडेंट्स चार जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको आंसर देना ही है। अगर आप 5 मिनट पहले लेक्चर खत्म होगा क्यों तो थोड़ा चार्जिंग खत्म है इसकी तो आप ब्रॉडबैंड की भी कॉल नहीं है ठीक है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 5 मिनट जरा जल्दी होगा आज खाली मैं फिर अपना रेगुलर टाइम पे होगा ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 अब क्वेश्चन नंबर 7 तुम ही कर ले सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 तुम कर सकते क्या देखो तुम लिखे होता था और बोलो तुम कर सकते क्या क्वेश्चन है वेरीफाई दैट ए इंटू बी प्लस सी ए ब्रैकेट में ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी अभी कैसे क्वेश्चन लेते हैं वेरीफाई करना है ए बी प्लस बी सी इन्हीं चार का फॉलोइंग मैट्रिसेस उसको पहले क्वेश्चन मैट्रिक्स ए बी वाली है 4 minus 2 2 3 बी मैट्रिक्स सी वाली है -1 1 3 -2 सी मैट्रिक्स सी वाली है 4 1 2 -1 कर सकते ना देखो ये रिजल्ट वेरीफाई करने का है तो सबसे पहले तो ये साइड में क्या निकालेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे b plus c एडिशन एडिशन करने के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन a के साथ इक्वेशन नंबर 1 इधर के साइड के तो पहले क्या निकालेंगे ab दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर क्या निकालेंगे bc का मल्टीप्लिकेशन और दोनों क्या करेंगे ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वल आते क्या नहीं होते तो उत्तर सकते क्या यस टेल मी नाउ जल्दी बोलो सर यस बाकी तो मुला मुझे टाइप्स मुला उत्तर दे लेते बाकी से कैसे वेरी गुड चल यस और कोई जो बच्चे देख रहे हैं स्टूडेंट ऑनलाइन पार्थ का मन है पार्थ का कैसे मन लोकेश साहित्य
अनुच्छेद थे, पार्थ काय मन ने खुशी सही थे। यस व्हाट अबाउट पार्थ, पार्थ चल रही का फिर पूछ रहा पार्थ ये जो ऑनलाइन मुलाय टेंशन आवन गलत नहीं है ना। ओके देखो तुम्हारे लिए फिर भी इधर के साइड निकाल के बताता, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा बी प्लस बी, तो b क्या है माइनस वन वन थ्री माइनस टू, इतना बड़ा मैट्रिक्स क्या मतलब इस पर छोटे में निपटा देंगे हम, माइनस वन वन थ्री माइनस टू प्लस ठीक है मैट्रिक्स है फोर वन टू माइनस फोर, दोनों का एडिशन एडिशन कर लेते पहले पहले के साथ माइनस एक और प्लस चार, माइनस एक प्लस चार मतलब कितना तीन, एक प्लस एक दो, तीन और दो पांच ना, ये तीन प्लस दो पांच, ये माइनस दो माइनस एक माइनस तीन ठीक है। अब हम लेंगे ए इंटू बी प्लस सी, तो फिर ए क्यू प्लस देखा मैट्रिक्स फोर माइनस टू टू थ्री का मल्टीप्लीकेशन बी प्लस सी मतलब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का मल्टीप्लाई करके प्लस अभी लोग चार थ्री बारह माइनस दस, चार दो आठ माइनस का नौ चार में से नौ गया माइनस का पांच, इसको इक्वेशन नंबर आ गया टू फोर्टीन, ये कितना आया दोनों चलो चार तीन बारह ठीक करेंगे माइनस टेन, चार दो आठ और प्लस का सिक्स ठीक है टू थ्री का सिक्स और यहाँ पे थ्री बाय द फिफ्टीन, तो ये कितना बना ट्वेंटी ठीक है, पंद्रह से कितना इक्कीस और ये टू टू का फोर माइनस नाइन बराबर। अब ये साइड हो गई मेरी, आप तुम क्या करेंगे यहाँ पे ये साइड में ए बी का मल्टीप्लीकेशन और बी सी का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेके दोनों को ऐड करो, ऐड करने से तुम्हारा आंसर आ जाएगा है ना, एकदम क्लियर कोई तकलीफ बिल्कुल है ना। तब धीरे धीरे इतना क्वेश्चन मैंने आपको ले लिया, इसको दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में बता था एक क्वेश्चन तुम करो, ए बी माइनस वन वन थ्री माइनस टू मल्टीप्लीकेशन करने के बाद कितना है माइनस चार माइनस सिक्स चार प्लस चार माइनस टू प्लस नौ और टू माइनस सिक्स माइनस टेन एट सात माइनस चार ठीक है ए बी। अब निकालो बी सी, बी सी बी और ये सी का मल्टीप्लीकेशन निकल माइनस का चार प्लस का दो माइनस का एक माइनस का एक तीन सौ बारह माइनस चार तीन एक तीन प्लस टू कितना आंसर इसका माइनस टू बारह में से चार गया चार सॉरी आठ और तीन और दो कितना पाँच, तो ए बी आ गया बी सी आ गया, दोनों का एडिशन करो, दोनों का एडिशन करेंगे तो ए बी प्लस बी सी करके देखो आएगा क्या, अभी अब तो कोई जरूरत नहीं ना बताने की। यस अपना रूल है क्वेश्चन में, खासतौर से मैंने क्वेश्चन लिया कि क्वेश्चन में तुम्हारा मिस्टेक है, यहाँ पे क्या है ए इंटू बी प्लस सी, ये ए दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करे हुआ है तो ए बी प्लस ए सी होना चाहिए, ए बी प्लस ए सी दोनों को बांट के देना, हम यहाँ पे बी सी की जगह यहाँ पे क्या निकालेंगे ए सी, ये बात याद रखो रिजल्ट क्या है अपने बारे में लिखे जा रहा सब मैंने तुमको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बी प्लस सी और अगर से कोई मैट्रिक्स ए बाहर है तो पहले ए का मल्टीप्लीकेशन बी के साथ फिर ए का मल्टीप्लीकेशन सी के साथ, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा ए सी निकालना पड़ेगा, तो ए सी का मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे हम यहाँ पे चार सौ सोलह माइनस चार